इनबाउंड मार्केटिंग, आउटबाउंड मार्केटिंग, परमिशन मार्केटिंग, डिसरप्शन मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, क्या है ये सभी चीजें? आप चिंता मत कीजिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा ये सभी चीजें क्या है और इसमें से आपको कहां फोकस करना चाहिए और उसका क्या बेनिफिट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आउटबाउंड मार्केटिंग से। आउटबाउंड मार्केटिंग जो है वो एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग की टेक्निक है जो यूजर का, रीडर का या लिसनर का ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव है उसे डिसरप्ट करती है। इसके कारण इसे डिसरप्शन मार्केटिंग भी बोला जाता है। ये एक्चुअली पुश मार्केटिंग की एक टेक्निक है जहाँ पे यूजर या कंज्यूमर जो है उसे पता नहीं है ये ब्रांड इस प्रोडक्ट और सर्विस में एग्जिस्ट करती है, बट मार्केटर उसे पुश करके अपनी अवेयरनेस क्रिएट करता है, उसे कन्वर्ट करने की ट्राई करता है। आप न्यूज़पेपर क्यों देखते हैं? मे बी आपको अपनी सिटी में क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, बिजनेस फाइनेंस में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, ये सभी चीज़ें जाननी थी। लेकिन जैसे ही आप उस पेज को ओपन करते हैं तो वहाँ पे एक एड आ जाता है, तो ये एड जो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव था न्यूज़ का उसे डिसरप्ट कर रहा है। यही चीज़ रेडियो पे भी होती है, टेलीविज़न पे भी होती है, इसीलिए इसे डिसरप्शन मार्केटिंग बोला जाता है। और आज के सिनारियो में आउटबाउंड मार्केटिंग से बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं या जो मिल रहे हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, और इसी के कारण इनबाउंड मार्केटिंग पिक्चर में आ जाता है। इनबाउंड मार्केटिंग एक इस तरह की टेक्निक है जहां आप अपने बेस्ट प्रोस्पेक्ट को एक वैल्यूएबल एंड यूजफुल कंटेंट प्रोवाइड करके उसे अट्रैक्ट करते हैं। यहां पे यूज़र को जो कंटेंट का एक्सेस चाहिए उसके बदले में वो आपसे खुद का ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर शेयर करता है और साथ ही साथ आपको परमिशन भी देता है कि इसके रिगार्डिंग आप मुझे फ्यूचर में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इसी के कारण इसे परमिशन मार्केटिंग भी बोला जाता है। इनबाउंड मार्केटिंग की डिपेंडेंसी कंटेंट के ऊपर ज़्यादा है, इसलिए ये कंटेंट मार्केटिंग को भी इंक्लूड कर लेता है। यहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग के काफ़ी सारे मॉड्यूल्स कंटेंट मार्केटिंग एंड इनबाउंड मार्केटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि SEO, सर्च इंजन मार्केटिंग SEM, ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, मैसेंजर मार्केटिंग, पॉडकास्टिंग, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसे आप इनबाउंड में इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए अब ये डिस्कस करते हैं कि अगर आप इनबाउंड मार्केटिंग को अपनी बिजनेस में अडॉप्ट करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होने वाले हैं। नंबर वन, इट्स कॉस्ट इफेक्टिव। अगर आप अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर रहे हैं तो इनबाउंड मार्केटिंग से जो भी लीड आप जनरेट करेंगे उसकी कॉस्ट ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कंपैरिजन में 1/3 से भी कम आती है। नंबर टू, रिजल्ट्स आर लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि अगर आप न्यूज़पेपर में एक एड देते हैं तो आप उसका जो रिजल्ट है वो एक या दो दिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद उसी एड से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। बट अगर आपका कोई ब्लॉग एक बार रैंक कर जाता है तो आपको काफ़ी महीनों तक वहाँ से फ्री ट्रैफिक मिल सकता है। नंबर थ्री, इट्स इजी टू रीच स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस। जब आप इनबाउंड मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप एक स्पेसिफिक डेमोग्राफी, जियोग्राफी, जेंडर, एज, इंटरेस्ट, इन सभी तरह के ऑडियंस को आप इजीली पहुंच सकते हैं, यानी कि आपका जो टारगेटिंग होगा वो ज़्यादा फोकस्ड होगा, तो इससे आपका रिजल्ट्स भी काफ़ी इम्प्रूव होगा। नंबर फोर, क्विक एंड क्वालिटी रिजल्ट्स। जब आप इनबाउंड मार्केटिंग कर रहे हैं तब आप काफ़ी सारा कंटेंट डेवलप करके उसे वेब पे कहीं रखेंगे और जब यूज़र उसे सर्च कर रहा है तब उसके सामने आप उस कंटेंट के साथ अपीयर होंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि जब यूज़र का बाइंग इंटेंशन हाई है तब आप उसके सामने अपीयर हो रहे हैं, यहाँ पे कन्वर्जन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंपेयर टू ट्रेडिशनल मीडिया, जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं और बीच में कहीं किसी एक बैंक का FD के बारे में एड आ गया, अब उस टाइम आप ना तो FD के बारे में सोच रहे हैं ना ही कोई बैंक सर्विस के आपको रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे एडवर्टाइजर का पैसा काफ़ी वेस्ट जाता है, जबकि इनबाउंड में वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है और बहुत जल्दी रिजल्ट आपको मिलता है। अब मैं समझता हूँ आपको इनबाउंड मार्केटिंग, आउटबाउंड मार्केटिंग, परमिशन मार्केटिंग, डिस्क्रिप्शन मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, इसके बारे में फेयर आइडिया आ चुका होगा। और आप अपने मार्केटिंग मिक्स में अगर इनबाउंड मार्केटिंग का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आज से ही उसके बारे में सोचिए। इस तरह की काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग इस प्लेलिस्ट के अंदर है, तो इसे देखना मत भूलिए और इंश्योर कीजिए कि इनबाउंड मार्केटिंग आपके मार्केटिंग मिक्स का एक पार्ट हो। गुड लक।